अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल नंबर 11 एंड 12 किया था चैप्टर नंबर 7 का। सो आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 2 करना है चैप्टर नंबर 8 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब बीकर में अगर वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फॉरन हाइट में इसका क्या टेम्परेचर होगा। सो आई विल राइट द गिवन डेटा फर्स्टली। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड देन टेम्परेचर इन फॉरन हाइट एच जी। ठीक है, सो हमने फाइंड करना है तो सिंपली फार्मूला क्या है फॉरन हाइट का, एफ इज इक्वल टू 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने। एफ इज इक्वल टू हर जगह यही फार्मूला इस्तेमाल होगा जहाँ भी हमें फॉरन हाइट में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। 1.8 जो आपके पास गिवन टेम्परेचर है वो है 50 प्लस 32, तो एफ इज इक्वल टू जब 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो 90 आ जाएगा प्लस 32, तो ये आपके पास आ गया 122 डिग्री एफ। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। सो वी विल मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 2। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री एफ, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर इज इक्वल टू 98.6 डिग्री एफ। तो अब ये 98.6 डिग्री एफ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर इन केल्विन। सो फर्स्टली हम फार्मूला लिखेंगे इसका डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। सिंपली आपने क्या करना है, फॉरन हाइट में आपको गिवन है तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 98.6 प्लस 1.8 सी की आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो सी ऐसे ही लिख दें इज इक्वल टू प्लस 32। अब 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 सी, इस तरह इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66.6 इज इक्वल टू 1.8 सी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू सी, तो लेट सी क्या आंसर आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिंपली करना क्या है कि हमने ये तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन यही वैल्यू हमारी अगले फार्मूले में भी यूज़ होगी। सो सेकेंड हमारे पास पार्ट क्या है, टेम्परेचर केल्विन में करना है इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। सो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आपका क्या आया था 37। सो सिंपली इनको आपने ऐड करना है तो आ जाएगा 310 केल्विन। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर समझने की ज़रूरत होती है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। कैम्फ्यूटर इज ऑलवेज हेयर फॉर योर हेल्प। इफ़ यू फाइंड एनी इशू देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।